वेल, बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट्स अनेक हैं और अनेक कंटेस्टेंट्स के अपने अपने पर्सनालिटीज़, अपना अपना नेचर, अपना अपना स्वभाव और किस तरीके से वो गेम खेलते हैं, कैसा नहीं खेलते, वो कम्प्लीटली उनके हाथों में है। लेकिन घर से बाहर जो लोग रहते हैं वो 24/7 इन्हें लूट पर लाइव देखते हैं, एपिसोड भी देखते हैं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें भी दिखती है जो घर में रहते हुए बाकी कंटेस्टेंट्स को नहीं दिख सकती, और कहीं ना कहीं जो गेम प्लान होता है कंटेस्टेंट्स का वो भी देखने समझने लग जाता है। और अगर समझ लो जो घर के अंदर है, जो घर के अंदर रह रहे हैं, फिर जब वो घर से बाहर जाते हैं और जब वो शो देखते हैं, तब उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें समझ आती है जो उन्हें शायद ही घर में समझ आई होंगी, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब वो घर में रह रहे होते हैं, और वही पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ा लार्जर हो जाता है और थोड़ा ब्रॉडन हो जाता है जब वो बिग बॉस का एपिसोड देखते हैं। इसलिए जो भी एलिमिनेट होते हैं कंटेस्टेंट्स, अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और ओपनली अपने थॉट्स के बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजिव खिलौसे होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, सुजिता ने एलिमिनेट होने के बाद टीना को लेकर कई सारी बातें की है। उनमें से एक था कि टीना जो है काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, मोस्ट इनसिक्योर कंटेस्टेंट है, इस तरीके से सुजिता ने कहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो घर के बाहर आई तभी कहा, घर के अंदर भी कहा, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का यकीन हो गया है। लेट मी टेल यू क्या कुछ कहा है सुजिता ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, टीना के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है इन द लास्ट फ्यू डेज़। सुजिता घर से बाहर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, खुलकर बात की है कि आखिर टीना का गेम कैसा है, क्या है, उनके और टीना के दुश्मनी के बारे में, या रादर उन दोनों की जो आपस में बनती नहीं, उसके बारे में कई सारी बातें की है। जहाँ पे अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में सुजिता कहती है कि टीना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, उसे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसीलिए वो शालीन और गौतम से या बाकी लोगों से जो है हमेशा चिढ़ती थी, उनके दोस्तों से चिढ़ती थी अगर वो मुझसे बात करते थे, स्पेशली शालीन और गौतम। उसकी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था, एंड यस, उसके पास सच में एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है कि अगर कोई मेरे दोस्त है तो मेरे दोस्त से कोई और बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूँगी, और बेसिकली शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू हैंग अराउंड मी। लेकिन उसने ये भूलना नहीं चाहिए कि वो लोग भी इंडिविजुअल्स हैं, कठपुतली नहीं है, उनके पास अपना दिमाग है और अपने ओन डिसीजंस लेने की पूरी क्षमता है। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है मेरे बारे में, एंड अब तक तो सभी लोग कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी देखना शुरू कर दी है। वैसे उसने मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे पीठ पीछे कही है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है उसने जिस तरीके से बात की है। बट आई थिंक जिस तरीके से टीना मेरे बारे में बात करती आई है, अब लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि टीना की असलियत क्या है और उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। बट टीना को डेफिनेटली मेरे बारे में प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा वोकल हूँ और मैं सच ही कहूँगी। वैसे हमने देखा कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है टीना की, इसके बारे में ये बात ऑन स्टेज सलमान खान के सामने प्रीमियर ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में बोली थी, और कन्फेशन रूम में बिग बॉस के सामने भी बोली थी, और अभी भी वो यही पॉइंट पर स्टिक कर रही है, बस थोड़ा एक ब्रॉडेंड व्यू भी दे रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, लेट मी नो द कमेंट्स।